सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अब तक इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहपुर बगौनी पंचायत में और यहां पे लोगों का हुजूम है, समर्थकों का हुजूम है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहां पे एक भाई साहब है, इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका। हिफ्जुर रहमान मोहम्मद गुलाब प्रिंस खैनी। अच्छा, जिसको लोग जानते हैं हमारे नाम। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो है शाहपुर बगौनी की जो जनता है, आप लोग जो है ग्रामीण हैं आप लोग यहाँ के, तो कैसे कैंडिडेट का चुनाव करने वाले हैं आप लोग मुखिया प्रत्याशी के? कैंडिडेट ऐसा हो जो समाज के बीच रहने वाला हो, समाज की मजबूरी को दुख को समझता हो, वो कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो प्रतिनिधि न हो के भी समाज के बीच रहे। यही लॉकडाउन में कंटिन्यू समाज के बीच रहे। अल्लाह का दिया हुआ इनके पास बहुत कुछ है, इसलिए उम्मीद है कि ये गरीबों का योजना गरीब के घर तक पहुँचाएंगे। ये 2000 जो आदमी 2-4 हज़ार गरीबों को बीच खर्च करता हो, वो आदमी हमको यकीन है कि लैट्रिन बाथरूम में 2000-2500 रुपया पर मरेगा नहीं, अपनी ज़मीन को नहीं बेचेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने चाहा है, इनको खड़ा किया है और उम्मीद है कि ये जीतेंगे भी, 100% जीतेंगे और जीत चुके। और यहाँ की वोटर का जनता की आवाज़ है, न्याज बाबू का एक मामला है, ये जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छे कैंडिडेट हैं, साफ छवि के हैं। दोस्तों हमारे साथ एक बुजुर्ग है यहाँ पे, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या नाम है चाचा आपका। अब्दुल रहमान जी। क्या लगता है इस बार यहाँ पे आप लोग किसको चुनना जो है? खुशनुमा देव बेगम को हम चुनना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ बहुत सब मजबूरी है। अच्छा, समझा, नाला बना, पानी में हम लोग भस रहे हैं। अच्छा, तो पिछले साल पिछले मुखिया जो है उनके कामों से आप लोग खुश नहीं है? बहुत सारे काम तो किए हैं। कोई काम से हम उनसे खुश नहीं हैं, हमारे साथ वो मुखिया बहुत गद्दारी किए। अच्छा, इनसे पहले जो मुखिया हुआ करता था उनसे तो बेहतर ये काम किए ना अभी प्रेजेंट के मुखिया? कोई ये हमारे साथ हैं, आवाम के साथ में हम हैं, समझा। दोस्तों नौजवान है यहाँ पे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नौजवान है यहाँ पे, इनसे जानने की कोशिश, क्या लगता है भाई आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग नियाज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोगों के साथ सपोर्ट करने वाले? हमारी पूरी जनता है सपोर्ट कर रही है नियाज भाई को। अच्छा, इंशाल्लाह शाहपुर बगौनी की जनता उनके साथ है। जी, शाहपुर बगौनी की जनता उनके साथ है। अच्छा, क्यों उनके साथ क्यों है? बहुत सारे प्रत्याशी आला, अच्छे अच्छे प्रत्याशी है, तो उन लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मुखिया कोई काम किया नहीं है, कोई सा भी वार्ड में मुखिया काम नहीं किया है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उस टाइम में सारे तरफ दह रहे हैं बंद, सबके घर घरों में पानी ढुक रहे हैं, तो मुखिया को बुलाया जा रहा है। अच्छा, मुखिया आ नहीं रहा है, फिर हम लोगों ने सारे मिलके पानी को क्लियर करवाए। हम लोग के घर के पीछे पानी इतने लग गए कि बच्चे सब जाने के लिए इनकार कर रहे थे, नाला नहीं खोलने दे रहा था, तो वहाँ जाके न्याज भाई क्लियर करवाए हैं। तो इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, इस दफा बदलाव हो शाहपुर बगौनी में। दोस्तों आइए इनसे भी जानना चाहेंगे, एक और अंकल है यहाँ पे, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार आप लोग पूरा मूड बनाए हुए हैं ना, यहाँ पे टी शर्ट वी शर्ट भी पहने हुए हैं, क्या लगता है आपके जो प्रत्याशी है वो निकल रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल नियाज जो है वो विजय पा रहे हैं। अच्छा, जनता की आवाज़ ये बन चुकी है। अच्छा, हम लोग जो है कि अगला इसके पहले टर्म में जो मुखिया हैं उससे हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं। अच्छा, इसलिए कि देखा जाए जा करके 6 नंबर वार्ड में लोग डूब गए, नाला जो बनवाए उससे एक कतरा पानी नहीं निकाला। आपका कौन सा वार्ड में घर है? मेरा 8 नंबर वार्ड में घर है। अच्छा, समझ गए, रुपया को उन्होंने लूट करके घर में भर लिया, जनता को बेवकूफ़ बना करके, समझा। और भोज में 2-4 लाख रुपया खर्च किए पब्लिक को खिलाने के लिए, समझे, इलेक्शन की तैयारी के लिए। लोगों को कहे कि इलेक्शन का जब टाइम आया तो इंदिरा आवास का फॉर्म भरने लगे कि सबको इंदिरा आवास मिलेगा, जल्दी जल्दी आओ फॉर्म भरो, जमा करो, ये पब्लिक को झांसा देने के लिए, वोट के लिए, समझ गया। तब बघौनी की जनता उन्होंने रोड पर आ चुकी है कि बेवकूफ़ नहीं है, इसलिए हम लोग ने सारे पब्लिक मिलकर के नियाज बाबू को चुन लिया है। एक अच्छे कैंडिडेट हैं, शरीफ हैं, गरीबों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं। अरे उधर दूसरे तरफ तो दूसरे ही प्रत्याशी जो ये अपना जीत का दावा कर रहे हैं, बोले कि हम जीत रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर कैसे जनता फैसला ले पाएगी? जनता फैसला ले लेगी ना। अच्छा, जनता खुद से फैसला ले लेगी, समझ गए, कैसे फैसला लेगी वो जनता समझ रही है।
अच्छा, आपके यहाँ पे अलग अलग प्रत्याशी है, 11 प्रत्याशी है यहाँ पे मुखिया पद पे, तो नियाज बाबू को ही लोग क्यों समर्थन करें? और उनके साथ बहुत सारे ऑप्शन भी और भी तो है लोग। वो अच्छे मुखिया हैं, अच्छा। साफ छोभी के हैं, गरीबों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं एनी टाइम, इसलिए लोगों ने उनको चुना है, बाकी को साइड कर दिया है। दोस्तों हमारे साथ नौजवान है यहाँ पे, इनसे भी जानना चाहते हैं क्या लगता है आप लोगों की पसंद कौन है? नियाज भाई। नियाज भाई पसंद है, क्यों? नौजवान तो काफ़ी हमने देखा है, दूसरे प्रत्याशी के साथ भी बहुत नौजवान घूम रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे नहीं हैं? नहीं, आप लोग इधर हैं जी। अच्छा अच्छा, नियाज भाई में आपको क्या खूबी नज़र आ रही है कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? वो गरीब को लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, इसलिए जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। दोस्तों आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कौर भाई साहब हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ग्रामीण है, काफ़ी प्रचलित चेहरा है शाहपुर बघौनी के, इनसे जानना चाहिए क्या लगता है इस बार शाहपुर बघौनी की जनता? बदलाव हर हाल में। अच्छा। मतलब खेला हो बे चुपचाप खेला हो जाएगा, खेला होना है इस बार। अच्छा। और पूरे जनता की, पूरे आवाम की पसंद है नियाज भाई, इंशाल्लाह वो जीतेंगे ही, चूँकि किसान हैं समझदार, सुलझे हुए हैं। अच्छा। लूटने वाले नहीं हैं, सुलझे हुए, इसलिए लोग इनको पसंद करते हैं। जी जी जी, ज़्यादा नहीं, कोई लाई लपटा नहीं, लपटा इधर कुछ नहीं, एकदम साफ छवि के आदमी हैं, इंशाल्लाह काम होगा, खोज खोज के काम होगा। अच्छा। इनको जनता नहीं खोजेगा, ये जनता को खोजेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए और भी लोग हैं, इनसे देखिए चाय पी रहे हैं, जिसके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? नियाज भाई आपकी बार नियाज एकदम चुपचाप, मतलब ऐसा कैसे आप लोगों को लग रहा है? चूँकि अभी तो लोग खुल भी नहीं रहे हैं, सही से खुल नहीं रहे हैं, तो कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नियाज भाई चुपचाप होंगे? एक तरफा वोट जा रहा है टोटल का, नहीं और भी लोग हैं, पाँच नंबर का। आपके शाहपुर बघौनी में बहुत सारे लोग और भी हैं जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नियाज भाई जीते? तो कौन बोलेगा कि हम हार गए, लेकिन जनता तो जीत रहा है ना। अच्छा, जो खड़े हैं वो कहाँ हार रहे हैं, सब जीत रहे हैं, लेकिन जनता बता रहा कि कौन जीत रहे हैं। तो आप लोगों ने अनुमान लगा लिए कि कौन जीत रहा है? पूरा एकदम कम्प्लीट। अच्छा नियाज भाई, ठीक है दोस्तों आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। नियाज भाई जी हाँ। अच्छा, नियाज भाई आप लोगों को क्यों पसंद है? बहुत सारे कैंडिडेट हैं और बेहतर है। ओ, अखलाक की वजह से? जी हाँ, अखलाक बहुत बेहतर है, साफ छवि के आदमी हैं। अच्छा। और हम लोग उनके सामने पले बड़े, हर कुछ देखते हुए आए और आगे भी, इसलिए जी, कोई तरह का दाग भी नहीं है उनके ऊपर। मतलब बदलाव, आप जो है बदलाव में भी आप अच्छे छवि के लोगों को सिलेक्शन करना चाहते हैं इस बार, वही चुना जा रहा है। अच्छा। क्योंकि पिछली बार जो हम लोग देखा, जमींदारों का, दलितों का, सबका राज आया, लेकिन उससे पब्लिक का कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार किसान को खड़ा किया जा रहा है, साफ छवि के लोग हैं इसलिए उनको खड़ा किया जा रहा है। किसान के बेटा को जिताना है? जी हाँ बिल्कुल, हम भी एक किसान हैं और उनको भी मौका दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है, इनके जो विरोधी है उनका कहना है कि वो किसान है तो खेत में मिलेंगे, मतलब इस तरह का लोग कह रहे हैं कि वो खेत में मिलेंगे तो फिर वो मुखियागिरी कैसे करेंगे? वो तो एक रूमर है। अच्छा, उसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, जब मसला सामने आएगा तब पता चलेगा कि हाँ कौन क्या है। और हम लोगों का वोट नियाज बाबू को ही जा रहा है। यहाँ पे तो शाहपुर बघौनी की जनता तो खूब दावा कर रही है कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, फिर आप नियाज भाई बीच में कैसे आ गए? ये वोट जो है, जो भी होता है वो तो पब्लिक मोमेंट पे होता है, हम आप सब तो ही देते हैं। शाहपुर बघौनी की जनता ने मूड बना लिया है? जी हाँ बिल्कुल, मूड बना लिए हैं, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट 2 तारीख को आएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजार अहमद हुआ। क्या करते हैं? हम भी एक बिजनेसमैन है। जी हाँ दोस्तों, नौजवान है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी इस बार तो नियाज भाई हैं। नियाज भाई हैं शाहपुर, मुकाबला में है नियाज भाई? मुकाबला में नहीं, सबसे ऊपर ही समझिए, सबसे ऊपर में है बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इनमें जो है सो कोई गिला सिखवा की बात नहीं है, अगर रात को 12 बजे ज़रूरत पड़ता है पब्लिक को बघौनी के। अच्छा। खाना पर बैठे रहते हैं तो हाथ धो के पहले पब्लिक का काम करते हैं। अच्छा। ये पोस्टिंग मिलने से पहले जब इस साल है, तो पोस्टिंग मिलने के बाद तो कुछ और ही चेंज होगा, इसलिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? इसलिए हम लोग को बदलाव चाहिए।
क्या नाम चाहिए? मेरा नाम अजनबी एम डी अशरफ हुआ। अच्छा, वो हो जाएगा उसके लिए। दोस्तों, नौजवान से बात कर रहा था, काफ़ी लोग जो है न्याज भाई को यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि लोग अपना अपना तो सब दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को ही असली परिवर्तन पता चल जाएगा। चूँकि ये लोग जो भी जो अपने आप में ये चाह रहे हैं कि अब पंचायत में एक बदलाव हो, एक नया मुखिया के तौर पर लोग उभरे। दोस्तों, शाहपुर बगौनी में एक घर पे मौजूद है हमारे साथ एक चची है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि महिला है और महिला जो है वो चुपचाप वोट करती हैं, वो ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती हैं, लेकिन इनसे भी जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है चची, इस बार कौन जीत रहा है आपके शाहपुर बगौनी? इस बार हमारा न्याज जीतेगा। किसान है जो कहते हैं कि किसान है, खेत में रहेगा, वो तो कुर्सी पर उसके तो 10-20 तो लेबर खटता है, वो रहेगा दरवाजे पर बैठ के, मुखिया वही बनेगा। अच्छा, आप लोग पूरा मूड बना लिए? एकदम मूड बनना हुआ है मुखिया। अच्छा, अब बनेगा। अच्छा, क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? बनेगा मुखिया, तो ऐसे भी बनना हुआ है, ऐसे भी रहेगा। चुनाव जो पब्लिक लोग का हुआ तो चुनाव उसी अच्छा, का हुआ। अच्छा, अच्छा ये बताइए, आपके दूसरे मुखिया जो प्रेजेंट के जो मुखिया अभी हैं, जो उनके कामों से आप लोग खुश नहीं है क्या? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। जोगनू मुखिया है, डर नहीं है हमको। अच्छा, कुछ नहीं दिया। घर का कागज बनवा लिया, हमारे अंदर में झोपड़ी है, लेकिन सब कागज उगज सब लगा के रख लिया, कुछ नहीं दिया। तो आगे साल हम लोग वोट दिए रहे उसको। तो उनके बारे में तो कहा जाता है कि पंचायत में तो बहुत विकास का काम किए, रोड बनवाए, नाला बनवाए, सब बनवाए। वो तो साफ कह इसके 8 नंबर बाट को नहीं देंगे, कुछ नहीं दिया है, नहीं देंगे। क्या है ऐसा, क्या हुआ? क्या हुआ सो वही ना जानेगा। हम लोग तो आगे बार वही को वोट दिया रहा, मगर न दिया तो क्या होगा। अब वो लड़का खड़ा हुआ है, पोता रहेगा, सबको देखेगा, गरीब अमीर सबको देखता है। नहीं है मुखिया से देखता है, ऐसे नहीं था। मुखिया बनेगा तो तार होगा, देखेगा कैसे नहीं देखेगा, ठीक, बहुत कुछ से देखेगा। दोस्तों, आइए चलते हैं कुछ और लोगों के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सबुहिना जुरुफनगीना। अच्छा, ये बताइए आप हमें, इस बार जो है शाहपुर बगौनी में आप किसको मुखिया बनाने जा रहे हैं? न्याज भाई को। न्याज भाई को बना देना है जी। अच्छा, न्याज भाई आप लोगों को क्यों पसंद है? दूसरे कैंडिडेट क्यों नहीं पसंद है? बहुत सारे न्याज भाई ऐसे हैं जो हर लोग पसंद करते हैं उसे। अच्छा। बाकी लोग ऐसे हैं जिसको कोई नहीं पसंद करता है। अच्छा। बस उनके में कोई खूबी है जो सब लोग पसंद करते हैं। अच्छा, पिछले बार के जो मुखिया रहे हैं उनके कामों से आप लोग खुश नहीं है जो न्याज भाई को पसंद कर रहे हैं? जी, उनके काम से और आदमी खुश भी है, नहीं भी खुश है। वो काम ऐसा किए हैं जो खुश नहीं है। आप लोगों को कुछ बेनिफिट वगैरह नहीं मिला? आप लोग की तरफ विकास विकास का नहीं? हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो लोग तो कहते हैं कि अभी जो प्रेजेंट के मुखिया है वो काफ़ी विकास किए हैं शाहपुर बगौनी में। अब किसको किए नहीं किए, हम लोग को तो नहीं किए 8 नंबर वार्ड में, तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है। हम लोग को मिलता तब तो जानते हैं कि कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। दोस्तों, हमारे पास एक नौजवान है, सबसे पहले तो तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद ताबिश अख्तर है। अच्छा, क्या तुम्हारा 18 साल हो गया? नहीं, मेरा तो 18 साल अभी नहीं हुआ है। तो अभी तुम सपोर्टर हो सकते, वोटर नहीं हो? जी जी, अभी हम सपोर्ट। क्या लगता है इस बार जो है शाहपुर बगौनी की जनता किसको चुनेगा? इस बार न्याज अंकल को चुनेंगे। अच्छा, अंकल जी है तुम्हारे? जी। अच्छा, तो उनको ही लोग क्यों चुनेंगे? उससे अच्छे अच्छे भी तो और भी कैंडिडेट है। नहीं नहीं, ये सबसे अच्छे कैंडिडेट है, इससे अच्छा कैंडिडेट आपको पूरे शाहपुर बगौनी में नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सारे लोग तो अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, फिर लोग कैसे फैसला करेगा कौन जीत रहा है? दावा करने से क्या होगा, हम दावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो अच्छे कैंडिडेट हैं वही जीतेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा कि हुजूम का हुजूम, भीड़ का भीड़ लेकर चल रहे हैं वो, तो उनके सामने कैसे उम्मीद किया जाए कि न्याज भाई जीत जाएंगे? इसमें कुछ हुजूम पैसा पे आते हैं, और हमारे हुजूम में एक भी ऐसे आदमी नहीं है। हमारे हुजूम में सब अच्छे आदमी हैं और अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं, और दूसरे के हुजूम में कुछ पैसे पे आते हैं, कुछ खाए के लिए आते हैं, कुछ पीने के लिए आते हैं, कुछ उल्लड़बाजी करते हैं, यही सब करते हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं। दोस्तों, नौजवानों की आवाज़ है, हालांकि ये वोटर नहीं है, सपोर्टर है। इनका कहना है कि जो लोग दूसरे जो लोग हैं वो सब कुछ भाड़े पे आते हैं, ऐसा इनका कहना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, आप तक मैं हूं आपका दोस्त शाल शफीक। आप देख रहे थे लगातार अलग अलग पंचायतों से मैं कवरेज कर रहा हूं और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग के दिल में क्या चल रहा है, कौन से प्रत्याशी है। मैंने आप लोगों के बीच उनकी बातों को रखा, अब आप लोगों का, अब यहाँ की जो जनता है वो फैसला करेगी कौन से प्रत्याशी 2 तारीख को जीतकर सामने आएंगे और अपने इस शाहपुर बगौनी पंचायत को के विकास में अपना मेन भूमिका निभाएंगे।
दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप शाहपुर भगौनी की जनता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जनता तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये जो रैली आप देख रहे हैं, शाहपुर भगौनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी खुशनुमा बेगम के पति न्याज भाई का ये बाइक रैली है, उनके समर्थन में लोग शाहपुर भगौनी मदरसा चौक से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों मोटरसाइकिल पर सवार उनके समर्थक मदरसा चौक से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 2 तारीख को ही पता चल पाएगा कि शाहपुर भगौनी में लोग किनको सिलेक्शन करते हैं, किनका चुनाव करते हैं मुखिया के रूप में। अब तो यहाँ की जनता ही तय करेगी कि 2 तारीख को कौन बनेगा शाहपुर भगौनी का मुखिया और किनके सर पे होगा शाहपुर भगौनी का ताज। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। लाइन बनाए रखिए, लाइन बनाए रखिए। ग्राम पंचायत राज शाहपुर भगौनी के मतदाता का चुनाव चिन्ह है कलम और दबाव छाप। खुशनुमा बेगम का चुनाव चिन्ह है कलम और दबाव छाप। नियाज भाई का चुनाव चिन्ह है कलम और दबाव छाप। जहाँ पर देखे कलम और दबाव छाप वही दबाए बटन आप। हर घर से आती आवाज कलम और दबाव छाप जिंदाबाद। माता महनों की पुकार कलम और दबाव छाप जिंदाबाद। आपको बता दें कि इसी बीच मदरसा चौक से दूसरे प्रत्याशी के भी बाइक रैली गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मिंटू भाई की जो पत्नी जो कैंडिडेट है उन्हीं का जो श्यामा छाप है वो भी गुजर रहे हैं यहाँ से। दोस्तों ये तो अब 2 तारीख को ही पता चल पाएगा कि कौन से प्रत्याशी की जीत पक्की होगी और सब अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब अपना अपना बाइक रैली निकाल रखे हैं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।